वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट जीव हेड की। अब ये जीव हेड की हमारा क्या होता, तो इसकी बात करते हैं कि जीव हेड की हमारा क्या होगा, कैसे क्या होता। तो ये जो हमारा जीव हेड की है, तो ये रेक्टेंगुलर टेपर शंख की तरह होता है। तो इसका एक एंड हमारा कैसा होता है कि रेक्टेंगुलर टेपर शंख की तरह होता है, और दूसरा एंड जो होता है तो उस पर एक जीव हेड लगा हुआ होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, जीव हेड की है। अब इसका प्रॉफिट क्या होता है, ये जीव हेड की क्यों लगाई जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस हेड की को, जीव हेड की को हम क्या कहते हैं कि आसानी से निकाल सकते हैं और कितनी बार भी लगा निकाल और लगा सकते हैं, ओपन एंड आउट कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो इसका एक सिरा जो होता है रेक्टेंगुलर टेपर शंख की तरह होता है, और इसका दूसरा सिरा जो होता है कि वो फिक्स होता है, इसी रेक्टेंगुलर टेपर शंख की पर फिक्स होता है, और ये जो फिक्स है और इस पर एक हाइट दी जाती है, तो वो हाइट हमारी कितनी होती है, 1.75 होती है विथ आप। फिर इसके बाद जो हेड की विथ होती है तो वो कितनी होती है, 1.5 टी। और फिर इसके बाद टेपर जो होता है, इस पर भी टेपर हमारा कितना होता है, 1:100 का होता है। फिर अब इस पर अभी तक हमने लेंथ की बात की, तो लेंथ आपकी हमने कितना पढ़ा था, 1.4D से 3D तक। लेकिन अब इस पर क्या होगा कि लेंथ आपकी हमारी जो आएगी D से 1.5D के बीच में आएगी, और इस पर एक इंक्लिनेशन एंगल भी होगा। इंक्लिनेशन एंगल हमारा क्या होगा कि इंक्लिनेशन एंगल जो हमारा है वो 45 डिग्री होगा, और फिर इसी से 45 डिग्री पर हम क्या बनाएंगे, हेड बनाएंगे इसका। और हेड बनाने के बाद ये हमारी पूरी तरह से जीव हेड की बन जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि इस पर के पैरामीटर्स क्या होंगे, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर टेपर शंख की होती है, ये रेक्टेंगुलर शेप रेक्टेंगुलर टेपर शंख की तरह ही बना हुआ होता है, और इस पर क्या होता है कि एक हेड बना हुआ होता है, वो हेड हमारा क्या होता है, दूसरी साइड होता है, वो फिक्स होता है। और इस कुंजी को हम क्या करते हैं, बार बार ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हल्का सा हमने फोर्स लगाया तो कुंजी बाहर आ जाती है, और हल्का सा फोर्स लगा देंगे तो कुंजी अंदर हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाया ऑफ शाफ्ट क्या होता है। इस पर सबसे पहले बात की जाए कि डाया ऑफ शाफ्ट हमने क्या ले लिया, डी। डाया ऑफ शाफ्ट हमने क्या ले लिया, डी। फिर इसके बाद विथ ऑफ की, विथ ऑफ की हमारा क्या होगा, डी बाई फोर होता है, डी बाई फोर प्लस इस पर क्या होता है कि 2 mm ऐड कर दिया जाता है। ये ऐड क्यों किया जाता है, तो ये ऐड इसलिए कर दिया जाता है कि हमें इस पर हेड भी बनाना है। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, थिकनेस ऑफ की, तो क्या होगा, डी बाई सिक्स हमारा थिकनेस ऑफ की। इसे टी से इंडिकेट करते हैं, इसे डब्लू से इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी हाइट ऑफ जीव हेड, हाइट ऑफ जीव हेड, हाइट टॉप जीव हेड हमारी कितनी होगी, h इक्वल टू 1.75 t, h इक्वल टू 1.75 t। तो अब ये जो t है तो यहीं पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा h निकल आएगा। फिर विथ ऑफ जीव हेड बी से डिनोट करते हैं, कितनी होगी, 1.5 t। फिर टेपर इस पर कितना होगा बेटा, टेपर होगा हमारा 1:100। फिर इसके बाद लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की, तो लेंथ ऑफ की हमारा कितना होगा, डी टू 1.5 d, इतना हमारा होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इंक्लिनेशन एंगल ऑफ जीव
कितना होगा बेटा 45 डिग्री, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको। तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। अब इस पर बात करते हैं कि अब इसको हम ड्राइंग शीट पर बनाएंगे कैसे, तो चलिए ड्राइंग शीट पर बना के देखते हैं। लेकिन उसके पहले कैलकुलेशन हम यहीं पर कर लेते हैं कि कितना क्या पैरामीटर्स हमारे आएंगे। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया, क्या किया लेट कर लिया डी इक्वल टू हमारा कितना है 24 mm, क्योंकि ये बेटा फ्री हैंड आपको बनाना होता है। तो आपने क्या किया, लेट मान लिया क्या कि डी इक्वल टू क्या है 24 mm हमें गिवेन है। फिर इसके बाद विथ डब्ल्यू ऑफ डाया ऑफ साफ्ट कितना आ जाएगा, डाया ऑफ साफ्ट कितना आ जाएगा बेटा 24 mm। फिर इसके बाद विथ डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई फोर है हमारा, तो यहाँ पर डी बाई फोर, डी की वैल्यू हमें 24 mm दी गई है, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा 8 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि थिकनेस आप की कितना आएगा, डी हमें 24 mm दिया गया है, डी बाई 6 है, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 mm। फिर इसके बाद हाइट ऑफ जी हेड एच, कैपिटल एच इक्वल टू जब 1.75 t है, तो t हमारा कितना निकल के आया है 6, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस पर तो कितना निकल के आएगा हमारा बेटा, जब आपने क्या किया कि t कितना है थिकनेस का आपकी d बाई 6, तो जब d बाई 6 हमारा है तो d की वैल्यू हमारी कितनी है 24 mm, तो जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा 4 mm। फिर जब हाइट ऑफ जिब हेड एच इक्वल टू 1.75 t है, तो यहाँ पर जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये अब 7 mm आ जाएगा। फिर इसके बाद बी की बात करते हैं, 1.5 t है, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1.5 t हमें कितना दिया गया है 4 mm, तो जब 1.5 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 mm। फिर इसके बाद टेपर हमें कितना दिया गया है, टेपर कितना दिया गया 1:100। फिर लेंथ ऑफ की कैपिटल एल इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1.5 d, तो जब d हमें 24 mm दिया गया है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू 36 mm। फिर एंगल हमें थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री, तो चलिए अब इसको बनाते हैं ड्राइंग शीट पर किस तरह से बनेगा हमारा ये, तो चलिए आइए देखते हैं कि ड्राइंग शीट पर बना के कि हमारा किस तरह से ये बनेगा। चलिए अब देखते हैं ड्राइंग शीट पर, क्योंकि हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले कोई भी ड्राइंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं कि एक इस तरह से रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो चलिए रेफरेंस लाइन ले लिया हमने इस तरह से बेटा, हमने एक रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इस रेफरेंस लाइन पर हमने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो अब जब ये पॉइंट ले लिया है तो पॉइंट के बाद हमें डायामीटर कितना दिया गया है, लेट डी इक्वल टू 24 mm, तो रेडियस इसकी कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, क्योंकि कोई भी शाफ्ट होता है तो जब शाफ्ट को आप साइड से देखते हो, यदि लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो साइड भी उसका काम बनेगा राइट साइड पर, और यदि राइट साइड से आप शाफ्ट को देख रहे हो तो साइड व्यू कहाँ बनेगा उसका, लेफ्ट साइड पर। तो ये हमने क्या किया कि हमने इधर से देखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइड व्यू बना लेंगे, साइड व्यू के प्रोजेक्शन से हम फ्रंट व्यू बना लेंगे। तो हमें डाया कितना दिया गया 24 mm, तो जब बेटा डाया हमें 24 mm दिया गया तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 12 mm, और 12 mm की रेडियस इस तरह से लेके हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बना लेंगे। इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारा सर्कल बन गया है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से फिर एक रेफरेंस लाइन इस तरह से हम ले लेंगे जिससे हमें मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन भी ले ली। अब जब हमने रेफरेंस लाइन ले ली तो अब आपको क्या करना है
कि यहाँ से भी आप इधर शाफ्ट हमें बनाना है तो शाफ्ट के लिए भी हम यहाँ से प्रोजेक्शंस ले लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, और इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस यहाँ से भी ले लिया, और नीचे वाले पॉइंट से भी हमने प्रोजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया इस तरह से, और इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। तो जब अब प्रोजेक्शन हमने ले लिया है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन बना देंगे, कि मतलब ये किसी दूसरी शाफ्ट से कटा हुआ हमारा पार्ट्स है। इधर भी इसी तरह से बेटा बना देंगे, इस तरह से हमने बना दिया। और इसकी हम क्या कर देंगे, सेक्शनिंग भी कर देंगे ताकि ये हमें पता चले कि ये किसी शाफ्ट से कटा हुआ पार्ट है। अब बेटा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप लोग बोलोगे कि ये सर शाफ्ट की लंबाई कितनी लें, तो शाफ्ट की लंबाई रिक्वायरमेंट के आधार पर ली जाती है, शाफ्ट की वैसे आमतौर पर कोई लंबाई नहीं होती है। तो ठीक है, अब इसके बाद हमें साइड व्यू बनाना है और शाफ्ट व्यू बन गया है। तो जब हमने किधर से देखा, राइट से देखा, तो हम लेफ्ट पर साइड व्यू बना रहे हैं। तो अभी हमें कितना दिया गया, विथ हमें कितनी दी गई, 8 mm। तो जब विथ हमें 8 mm दी गई है तो इस सेंटर पॉइंट से 4 mm हम लेफ्ट में जाएंगे और 4 mm राइट पर, 4 mm इधर आए लेफ्ट राइट पे, 4 mm हम 4 mm हमने लेफ्ट पर भी ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें हाइट कितनी दी गई, 7 mm दी गई है। तो जब हाइट हमें 7 mm दी गई है तो अब हम क्या करेंगे कि 3.5 नीचे और 3.5 ऊपर हाइट हम ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए हम बेटा कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और इस तरह से एक लाइंस इधर से भी एंड इधर से भी। फिर इसके बाद इसी लाइन को रेफरेंस लेंगे और इस तरह से इधर हम मैच करा देंगे और इधर से भी हम इस तरह से मैच करा देंगे। और फिर ये जो बीच का मटेरियल है तो इसको हम हटा देंगे, रफ कर देंगे, ताकि हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई दे। इस तरह से हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी थिकनेस है, तो थिकनेस हमें कितनी दी गई है, थिकनेस हमें दी गई है 4 mm। तो ये जो हमारा नीचे वाला बॉटम पार्ट्स है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4 mm मेजरमेंट कर लेंगे। तो 4 mm हमारा कुछ यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4 mm। तो अब हमें क्या करना है कि सिर्फ प्रोजेक्शन लेके हमें बनाना है। तो प्रोजेक्शन हमने कुछ इस तरह से लेना स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्शन लाइंस हमने कुछ इस तरह से ले ली। अब इस लाइन को मैंने छोटा खींचा है केवल। फिर इसके बाद ये जो लाइंस आएगी हमारी, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, और फिर जब यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी लाइंस आएगी, और यहाँ से इस तरह से हमने फुली लाइंस को ड्रा कर दिया। फिर इसके बाद हम नीचे आ गए और इस तरह से हमने लाइंस को ड्रा किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कीवे शाफ्ट बनाना है। तो कीवे शाफ्ट के लिए भी हमने एक लाइंस ड्रा कर लिया। तो अब ये सारी लाइंस हमने ड्रा कर लिया है, तो अब हमें बनाना क्या है, सबसे पहले टेपर, रेक्टेंगुलर टेपर शंख की बनाना है। तो जब रेक्टेंगुलर टेपर शंख की बनाना है तो हमने इस लाइन को हल्का सा छोटा कर लिया, और इस लाइंस को, ये जो कीवे की लाइन हमने खींची है कि इतने भाग पे हमारा क्या बनेगा कि इससे आगे हमारी की नहीं जा सकती है, तो हमने इस लाइंस को इस तरह से बना दिया, और इस लाइंस को भी हमने इस तरह से डार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी कीवे दिखाना है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से कीवे और यहाँ से इस तरह से कीवे हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है कि शाफ्ट की लंबाई हमें कितनी दी गई है, शाफ्ट की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 36 mm। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से, हमने क्या किया कि बेटा इस पॉइंट से
यहाँ तक हमने क्या किया कि मेजर कर लिया कि 36 mm हमें मिला। तो जब 36 mm हमें यहाँ पर मिला तो हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाली भी लाइन है इस तरह से हमने मिला दिया, इस तरह से हमने इस लाइन्स को मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमने क्या किया कि ये जो बाहर लाइन्स है हमारी इनको ज़ब्त कर देंगे और ये जो अंदर वाली लाइन्स है इसको भी हम ज़ब्त कर देंगे। चलिए दोबारा खींच लेंगे क्योंकि पूरा ज़ब्त हो गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या है कि रेक्टेंगुलर टेपर संघ की हमें पूरी दिखने लगी है साफ साफ कि ये हमारी की यहाँ पर बनी हुई है। इस तरह से हमारी की बन चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन्स को हमने क्या किया कि हल्का सा इंक्रीज कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पॉइंट से ये जो पॉइंट है हमारा तो इस पॉइंट से क्या करेंगे कि 45 degrees का एंगल लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम गिव हेड के लिए बनाएंगे। तो अब गिव हेड के लिए बना दिया है तो अब हमें क्या है कि विड्थ क्या दिया था, विड्थ ऑफ गिव हेड हमें बी के बराबर था तो बी हमें कितना दिया गया है 6 mm। तो यहाँ से हम 6 mm बेटा मेजर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने 6 mm मेजर कर लिया। अब मेजर करने के बाद बाकी जो लाइंस है इसको हम क्या करेंगे ज़ब्त कर देंगे। बाकी जो लाइंस है इसको हमने क्या किया ज़ब्त कर दिया। पीछे से जो लाइंस है इसको भी हमने इस तरह से ज़ब्त कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो जिब हेड है तो इसको इस तरह से हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये जो लाइंस आ रही इसको भी हम ज़ब्त कर देंगे। इस तरह से हम ज़ब्त कर देंगे और ज़ब्त करने के बाद ये हमारा जीब हेड की बन चुका है। अब दिख भी रहा होगा आप लोगों को इस तरह से ये हमारा जीब हेड की बनता है। तो चलिए अब इसके पैरामीटर्स मेंशन करा देते हैं। डायमेंशंस इस पर क्या क्या होंगी तो ये डायमेंशन शाफ्ट का डाया है हमारा क्या डी, ये हमारा शाफ्ट का डाया है डी। फिर इसके बाद यहाँ से हमने ऊपर की तरफ इंक्रीज किया लाइंस को तो ये क्या है कि हमारी सेक्शन लाइंस हैं। तो हमने क्या किया किसी लाइन को रेफरेंस लेते हुए हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ पर क्या लिख दिया क्या आया हमारा यल इक्वल टू 36 mm और एरो बना दिया। एरो बेटा आपको सही से बनाना होगा नहीं तो मार्क्स इस पर कटते। अब इस पर हमें पता है कि टेपर क्या है तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारी विड्थ कितनी है हेड की 1.5 t। तो 1.5 t जब t की वैल्यू हमारी 4 mm दी गई है तो कितना आया है हमारा इस तरह से हमने इधर भी एरो बना दिया और ये डिस्टेंस को हमने मेंशन करा दिया 1.5 t हमारा ये आ गया। तो जब ये 1.5 t हमारा आ गया है तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे 1.5 t इस तरह से हमारा 1.5 t आ गया। अब इसके बाद हमें टेपर का साइन दिखाना है तो हमने क्या किया कि इस तरह से टेपर का साइन बना दिया 1 and handle लिख दिया या फिर हम क्या करेंगे इसके लिए टेपर 1:100 इस तरह से हम मेंशन कराएंगे कि 1:100 यहाँ पर है या आप इससे इस सिंबल से कराइए मेंशन या ऊपर लिख दीजिए कि टेपर है। अब इसके बाद ये हमारा क्या बन गया अब इधर भी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो इधर डायमेंशनिंग करने के लिए हमें क्या है कि यहाँ से
ये हमारा क्या है 1.75 टी, ये हमारा क्या है 1.75 टी, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है बेटा, तो ये हमारा टी के बराबर है, टी थिकनेस जो हमारी आई थी टी इक्वल टू 4 mm। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऊपर इसकी विथ क्या होगी, तो इसको भी हम शो करा देते हैं। ये हमारी विथ है, तो विथ हमारी कितनी आई थी 8 mm आई थी बेटा, तो ये हमारा डब्लू हो गया। अब इसके बाद नेमिंग कर देते हैं, और उसके पहले यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग कर देते हैं। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि सेक्शनिंग कर दिया। अब सेक्शनिंग करने के बाद हम शो कराते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है और कहाँ क्या है। तो ये हमने इस तरह से मेंशन कराया, तो ये हमारा क्या है कि जीव हेड की है, ये हमारा जीव हेड की है। और फिर इसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट है। और फिर इसके बाद ये पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है की वे शाफ्ट है, ये हमारा की वे शाफ्ट है। और ये भी हमारा क्या है बेटा शाफ्ट है, ये भी हमारा शाफ्ट है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर आपको पता है कितना है 24 mm है, क्योंकि रेडियस हमारी कितनी होती है बेटा, तो रेडियस हमारी कितनी होगी यहाँ पर, तो रेडियस हमारी 12 mm, तो बेटा रेडियस हमारी कितनी होगी 12 mm हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि फ्रंट व्यू कौन सा है, तो ये पोर्शन हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, वो भी कौन सा राइट हैंड साइड व्यू हमारा बना हुआ है, क्योंकि हमने लेफ्ट से देखा है तो राइट पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू है। तो अब यहाँ पर हमने DB मेंशन कर दिया, सारी चीज़ें डाइमेंशंस मेंशन कर दिया है, तो ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा क्या है जीव हेड की है। तो अब ये जीव हेड की पे यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।